वाले धारा नगरी में कौन के राजा पृथ्वीपत, पृथ्वीपत के पदम सेन, पदम सेन के राजा गोपी चंद। आप मूल किस्सा सुनते हैं, पिंगला भरथरी उसके दो भाग निकले जिसको दूसरे भाग के नाम से बुजुर्गों ने सभी ने सुना राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से, वो मूल किस्सा है। उसी से तीसरा किस्सा निकलता है राजा गोपी चंद, क्योंकि राजा भरथरी की बहन मैणावंती धारा नगरी में ब्याही हुई थी राजा पद्मसेन के साथ, नाता किया था, वहां से गोपीचंद का जन्म हुआ, जहां से गोपीचंद का किस्सा शुरू हुआ। प्रेमी सजनों, ऐसा भी बताते हैं, क्योंकि यह किस्सा आदरणीय शुभकर्ण जी ने भी लिखा, दादा जगन्नाथ ने भी लिखा और फुटकर रागनिया हरियाणा के अनेक मशहूर कवियों ने बनाई। दादा जगन्नाथ के किस्से के अमुख में, जिसको आजकल ये नौजवान समझेंगे, जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो उसके शुरू में लिखा आता डिस्क्लेमर, जिसको अमुख कहते हैं, उस डिस्क्लेमर में उसके बारे में सूचना, उसका इतिहास बताया जाता है, उसके कायदे कानून बताए जाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि यह सच्चा इतिहास है, 11वीं सदी के अंदर बंगाल के राजा हुए राजा गोविंद चंद, जिनको हरियाणवी भाषा में गोपी चंद के नाम से उच्चारित किया गया। प्रेमी सजनों, चंद्रवंशी खानदान था, चंद्रवंशी खानदान में एक कुष्ठ रूपी रोग चला हुआ था कि जिस समय राजा पृथ्वीपत जवान अवस्था में थे, राजा पद्मसेन नादान थे, उस समय राजा पृथ्वीपत काल कर गए। जिस समय राजा गोपी चंद नादान थे, राजा पद्मसेन युवा थे, काल कर गए। लोगो, रानी मैणावंती मन में घबराती है कि अब तक तो तेरे बेटे का रिश्ता नहीं हुआ, वंश बेल चली नहीं, कदे तेरे पूत को भी काल ना खा जाए। एक साथ गोपी चंद के 16 रिश्ते आए। पहले बुजुर्ग बताओ, राजा तो घड़ी घड़ी रानी हो यार दी, आजकल लगड़े टिकटी आंडे बोगियान तोड़ दे कोई ना सुमन। पहले 16 रानी हो यार, 16 रिश्ते ले। इस लालच में कबूल कर लेती है मैणावंती के भाई इसकी वंश बेल चल जाएगी और मेरी कुटी का नाम एट नहीं होगा। पटराणी बनी रानी पाटम दे, जिसको कवि महोदय शुभकर्ण जी ने पाटवती के नाम से उच्चारित किया। और ये कोई आप इतने की नहीं मान लिया बुजुर्गो, क्योंकि अनेक किस्से लिखे गए। दादा लक्ष्मी चंद का चंद किरण आप पढ़ते हैं, उसमें रानी का नाम दिखाया नाग दे, वही चंद किरण आप बाजे भगत जी का सुनते हैं, उसमें दिखाया चंद्र प्रभा। कहानी वही है, कैरेक्टर के नाम चेंज हो जाते हैं। और पंडित जियों के हरीशचंद्र में आप रानी को देखते हैं, रामलाल ब्राह्मण का नौकर है, बाजे भगत जी ने वाए रानी गण का वैश्य करा नौकर दिखाई। ये किस्सों में अपने अपने परिवर्तन है। इसी तरह से शुभकर्ण जी ने पटराणी को पाटवती के नाम से उच्चरित किया गया, जहां पाट्यम देवी कह दे तो न्यू मान लियो पाटवती का जकर हरायणी की थी। आप जानते हैं ये मनोविज्ञान है कि किसी आदमी ने आप आस हो जा सपने में पल जाके तेरे गले ओड़ी बीतेगी, पहले एहसास हो जाते हैं। ये ऐसी ही मेमोरी रानी पाटवती की, रानी पाटम देखी थी, सपना आया सपने में बाबा गोपी चंद मारे रोशन वर्गा भगमा पुराना लिए बैठा, और मन में घबराती है कि 16 रानिया के बीच में एक फांक है, और अगर ये इकलौते हमारे पति 16 रानिया के इकलौते रखवाले ये बाबा जी बन गए, मारा कौन सहारा होगा। प्रेमी सजनों, रंज मान के बैठ जाती है और किसी ने बताओ नहीं, पर परल परल रोवे। आप जानते हैं राजा पहले अपनी बेटी का विवाहित करते थे तो दास और दासियां साथ देते थे, रानी पाटवती के साथ उनकी एक सहेली, जो उनकी सहेली भी थी दासी भी थी दान माई थी, वो उनके महल में नौकरी करती है और पाटवती को रोता हुआ देख के न्यू कहने लगी, आई हे बहना क्या बात हुई कि बेबे न्यूर न्यू सपना आया। ए बावड़ी बहन, सपने भी कदे सच्चे हो आगरे के सपने के रंज में पड़ रही है, ये कोई सार्थक तर्क नहीं, सपना आनी जानी होती है। बांदी उसको समझाती है, न्यू बोलिए पाचे है मदे, ए तू बहना रोवणी लागी,
पट्टम दे मेरी बहना के सपने के रंग में पट्टम दे क्यों रोवन लगी ये नैन मेरे किसे खोवन लगी और तू आंसू तो मुंह धोवन लगी बहना हुई फेरा उदास किसी ये मैंने बताया मैं अपने पति के लिए बहुत ही चिंतित हूँ आजा आजा पन्ने आजा फेरा गिर कली आजा बहुत ही आदरणीय भाई राम निवास जी मांडी कला से 100 रुपए सम्मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद के तेरा हाल है पटराणी तो दूर की बात तू दस भी ना दी पागल फूड जी सा ब्यों तो रहा है तेरा रोक है क्यों करे कोई ओ क्या
वार्ड में मेरे छोटे भाई ग्राम पंचायत के पंच मेरे सहपाठी रहे भाई राकेश मांडे जी। छोटे भाई काफी मान सम्मान पहले 100 रुपए और देते हैं, आदरणीय भाई ने 11 रुपए सम्मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। अंतिम गली हेलो दो और न्यू का आ रहे गावड़िया न्यू क्यों कहेंगे वो चौथे नंबर पर गौर करियो। तो बिरबल दास जी बैठे, आदरणीय ज्ञानी राम जी बैठे और रागनी प्रेमी तो युवा भी इस बात को समझते कि जिस विषय को लेके कलाकार कवि रागनी बनाना शुरू करता है उसमें वो 4 या 5 कली बनाओगा, अंतिम कली तक आते आते उस विषय पे पूरा निष्कर्ष करते हुए अपनी बुद्धि को खरच चुका होता है। दोबारा चौथी कली में कलम तोड़ दी क्यों उसका ओर आले है जितना उसने निचोड़ देना है चौथी कलते वो दे चुका होता है। मलमल का नाले तो फटा मलमल का।